देख रहे हैं YMS न्यूज 24। आइए देखते हैं आज की खबर दमोह मध्य प्रदेश से। केडी जैन ब्लॉक ब्यूरो चीफ एवं रूप सिंह लोथी कैमरामैन के साथ। दमोह कलेक्टर महोदय के निर्देशन पर जीवन सुकन्या योजना के अंतर्गत खाते खुलवाने के लिए शिक्षकों द्वारा घर घर जाकर अभिभावकों को समझाया जा रहा है ताकि बालिकाओं को इस योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। द्वारा जो विभिन्न विभागों के लिए मार्गदर्शन किया जा रहा है, प्रेरणा दी जा रही है, वो एक बहुत बड़ा काम कर रही है हम लोगों के लिए इस अभियान में जुड़ने के लिए। आंगनबाड़ी है, पोस्ट ऑफिस वाले हैं और हम लोग शिक्षक समुदाय ने मिलजुल कर गांव में एक अभियान चलाने का प्रयास किया और निश्चित रूप से अभी तक हमारे 35 से 40 खाते खुल चुके हैं और ये हमारा टारगेट है कि हम जुलाई में ही जितने भी हमारी पात्र बालिकाएं हैं 0 से लेकर 10 साल के अंदर की उनके खाते खुलवा लेंगे। और ये पुनः पुनः धन्यवाद माननीय कलेक्टर महोदय को कि इन्हें व्यक्तिगत रुचि लेकर इस अभियान को एक नए रूप स्वरूप और नई दिशा देने का कार्य। जीवन सुकन्या के खाते खुलवाने के संबंध में आप विद्यालय स्तर पर क्या प्रयास कर रहे हैं? जीवन सुकन्या योजना एक बहुत अच्छी योजना है। शासन ने जो योजना चलाई है इससे बहुत ज्यादा गांव के लोग इसका लाभ ले रहे हैं। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं और हम लोगों ने कम से कम 10-15 खाते खुलवाने के लिए घर घर जाकर प्रयास किया है। आप प्राथमिक शाला में क्या विशेष प्रयास कर रहे हैं कि बालिकाएं जो चिन्हांकित हैं उनका कैसे खाता खुलवाएंगे? जी, घर घर जाकर संपर्क कर रहे हैं, बताओ से संपर्क कर रहे हैं और उनके लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा और अपने जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जो सुकन्या योजना के लिए योजना चलाई गई है बहुत अच्छी योजना है, उनके लिए बता रहे हैं इसके बारे में। आपने अभी तक कितनी छात्राओं को इस योजना से जोड़ पाने में सफलता प्राप्त की? हम लोग गांव के भ्रमण करके आए और कम से कम अभी हमने 8-10 उनके माता पिता से संपर्क किया है और खाता खोलने का प्रयास पूरा करें। 10 साल तक तो खाता खुला थे, यदि मान लो 1 साल की है, 9 साल की है तो भी खुलिए। इसमें सबसे बड़ी फायदा जो है कि एक बार खाता खोलो तो अब महीना पे चाहे आप कर दो पैसा जमा, चाहे 100, 50, 200, 400 जितने असर गए उतने कर गए, साल में कम से कम एक बार जमा करने हैं। एक बार कम से कम हर महीना हो जाए तो ठीक है, साल में जो तो निश्चित कितने भाव चाहिए, कम से कम 250 ज्यादा से एक साल में 250 से कम 250 रुपया कम से कम, जितने ज्यादा जमा करो तो ब्याज मिले 50 रुपया में 300 ब्याज मिले, जितनी ज्यादा राशि रहे उतना ब्याज मिले। यदि अपन ये मान लो कि 10,000 रुपया जमा कर दे तो 10,000 को ब्याज मिले एक साल को, यदि 1,000 रुपया जमा करे तो 1,000 को ब्याज मिले, तो जितने ज्यादा अपन कर सके जितनी बचत खुद गई सुबह ये 15 साल तक जमा होने, 15 साल में चूंकि चक्रवर्ती ब्याज मिला तो बहुत ज्यादा ब्याज हो जातु, तो जब वो मोड़ी 18 साल की हो जाए तब वो भी आधे पैसा निकाल सका पढ़ाई के लाने बाहर जाने कछु करने, और जैसे 21 साल की है तो उन्हें आपको खाता होगा पक्को पूरे राशि आप निकाल सका, तो चाहे शादी पे खर्चा है या पढ़ाई में खर्चा है। सबसे बड़ी बात वही हो रही थी मैं हर 3 महीने चक्रवर्ती आधे निकालने के बाद जमा न करो भाई, नहीं जमा नहीं, जमा तो 15 ही साल भर करना, इसके बाद आपका जमा नहीं करना, अपने आप खाता बंद कराओ 15 साल तक जमा करना। आज अगर 1 साल की लड़कियां है तो आपने 15 साल जमा करे तो वह हो गई 16 साल, उसके बाद आपकी अगर राशि जमा नहीं करने वही जो जमा है वही पे पैसा मिला करेगा ब्याज इकट्ठा हो जाए शादी के समय पूरा, अब सबसे ज्यादा यही पे बचत है 7.6 को ब्याज। जीवन सुकन्या खाते के संबंध में आपके क्या विचार हैं? बहुत अच्छी स्कीम है सर, और हमने भी कन्या को नातन को खाता खुलवाया।